आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिससे कि आपके चाहे एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो या एनडीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश का पेपर आता है, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट से एरर ज़रूर पूछा जाता है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप नहीं कर पाते क्वेश्चंस को सॉल्व और मार्क्स आप गेन नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट है नीट एंड डेयर। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि नीट और डेयर है क्या। आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि नीट एंड डेयर ये दोनों मॉडल की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट बना हुआ है। नीड एंड डेयर मॉडल की तरह भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब नीड और डेयर का यूज़ हम एज अ मॉडल करेंगे तब कंडीशंस कुछ और होंगी, और जब हम नीड और डेयर का यूज़ एज अ मेन वर्ब करेंगे तो कंडीशंस कुछ और होंगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नीड और डेयर का यूज़ जब हम एज अ मॉडल करेंगे, जिस तरीके से हम कैन, कुड, मे, माइट इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से नीड और डेयर का यूज़ भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका मॉडल यूज़ समझ लेते हैं क्या है। जब कभी भी हम नीड और डेयर का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब करेंगे तो आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि या तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा या सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेंटेंस या तो नेगेटिव बनेगा या इंटरोगेटिव बनेगा, कोई तीसरा सेंटेंस नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीड की बात कर लेते हैं। तो नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत, डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत। अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने से पहले आप रूल देख लीजिए। रूल कहता है कि जब कभी भी आप मॉडल वर्ब से सेंटेंस बनाएंगे तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट, मॉडल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। आई कैन गो, यहाँ आप देख सकते हो आई इज द सब्जेक्ट, कैन मॉडल वर्ब एंड गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंस बन गया आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर इसी को हमें बनाना हो नेगेटिव, तो नेगेटिव हमने कैसे बनाया, हमें कुछ नहीं करना नेगेटिव बनाने के लिए। सिंपल सा रूल है कि आप मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। जैसे आई कैन नॉट गो, हमने कैन के बाद नॉट लगा दिया तो सेंटेंस बन गया नेगेटिव। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है आई नीड गो, बट द सेंटेंस इज रॉन्ग। सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि जब कभी भी नीड और डेयर का यूज़ एज अ मॉडल वर्ब किया जाएगा तो सेंटेंस या तो नेगेटिव बनेगा या इंटरोगेटिव। लेकिन आप यहाँ देखेंगे थर्ड नंबर के सेंटेंस में हमने इसको बनाया है अफर्मेटिव सेंटेंस। यहीं पर आपने रूल को तोड़ दिया, क्योंकि रूल कहता है सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव, तभी आप नीड और डेयर से सेंटेंस बना सकते हैं एज अ मॉडल। तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्योंकि सेंटेंस है अफर्मेटिव। लेकिन फोर्थ नंबर के सेंटेंस को आप देखिए। फोर्थ नंबर का सेंटेंस बोलता है आई नीड नॉट गो, मतलब आपने नीड के बाद नॉट लगा दिया, यानी सेंटेंस हो गया नेगेटिव। यानी रूल को फॉलो करता है कि आप नीड और डेयर जब मॉडल की तरह यूज़ होंगे तो आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। तो आपने यहाँ पर बनाया आई नीड नॉट गो, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे आपने बॉक्स सेंटेंस नंबर टू बनाया है आई कैन नॉट गो, वैसे आपने बनाया आई नीड नॉट गो, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर फाइव पे आइए। जैसे सेंटेंस नंबर वन है, सेंटेंस नंबर वन को आप ध्यान से देखिए। आपने सेंटेंस नंबर वन में लिखा है आई कैन गो, तो अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे सेंटेंस नंबर वन का, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मॉडल को बाहर निकाल दीजिए, बन जाएगा कैन आई गो। ठीक उसी तरीके से आपको नीड वाले सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है। देखिए नंबर सिक्स, आपने कुछ नहीं किया, जिस तरीके से आपने कैन को बाहर निकाला उसी तरीके से सेंटेंस नंबर सिक्स में आपने नीड को बाहर निकाल दिया और सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव नीड आई गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत है। उसी तरीके से आप सेंटेंस नंबर सेवन को देखिए।
जो कि हमने डेयर से बनाया है, यू डेयर गो, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सीख लिया था कि जब नीड और डेयर का यूज़ एज अ मोडाल वर्ब किया जाएगा तो सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। लेकिन सेंटेंस नंबर 7 में हम सेंटेंस बना रहे हैं अफर्मेटिव, यहीं पर हमसे गलती हो गई, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन नंबर 8 में हम देखिए बनाते हैं यू डेयर नॉट गो, आपने डेयर के बाद नॉट लगा दिया, जैसे आप यहाँ पर अगर कैन मान के चलो तो कैन नॉट हो गया, वैसे डेयर नॉट हो गया, तो सेंटेंस एकदम करेक्ट है, आपकी जाने की हिम्मत नहीं है। 9 नंबर पे आइए, सेम जैसे आप अदर मॉडल से स्टार्ट करते हो सेंटेंस कैन यू गो, वैसे ही हमने बनाया डेयर यू गो, क्या आपकी जाने की हिम्मत है। उसी तरीके से हमने बॉक्स सेंटेंस नंबर 6 बनाया था नीड आई गो, क्या मुझे जाने की ज़रूरत है। उसी तरीके से सेंटेंस नंबर 9 आपने बनाया डेयर यू गो, क्या आपकी जाने की हिम्मत है। नंबर 10 पे आइए, सेंटेंस है हाउ डेयर यू गो, ये सेंटेंस ठीक 11 नंबर पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है हाउ कैन यू गो बिल्कुल उसी तरह है, बस कैन की जगह हमने क्या लगाया है डेयर लगाया है। तो हाउ डेयर यू गो, आपकी जाने की हिम्मत कैसे हुई। उसी तरीके से हाउ कैन यू गो, आप कैसे जा सकते हो। चलिए तो ये था नीड और डेयर का एज अ मॉडल यूज़ जो कि हमने बहुत अच्छे से सीखा। अब बात करते हैं नीड और डेयर को जब एज अ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है तब क्या कंडीशंस होती हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब आपको पता है कि मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो नीड की 3 फॉर्म्स होंगी, नीड, नीडेड, नीडेड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे मॉडल की तरह यूज़ कर रहे थे इनको, तो हमने बोला था कि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि इनको एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ करना है। तो एज अ मेन वर्ब जब यूज़ करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब जब आप इनको एज अ मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो सेंटेंस आप हर तरीके का बना सकते हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। चलिए रूल देखते हैं, सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको रूल पता है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो देखिए हमने पहला सेंटेंस बनाया है आई गो, यहाँ पर आई इज़ द सब्जेक्ट एंड गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेंटेंस बन गया आई गो, मैं जाता हूँ। उसी तरीके से अब नेगेटिव बनाएंगे, तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो या तो हम यूज़ करते हैं डू नॉट का, या हम यूज़ करते हैं डज नॉट का। अब कब हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, कब हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम नेगेटिव के लिए डज नॉट लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता तो हम डू नॉट यानी डोंट लगाते हैं। तो सेंटेंस नंबर 2 में हम देखते हैं, फर्स्ट का हमने नेगेटिव बनाया आई डोंट गो। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 में देखिए डू आई गो, मतलब हेल्पिंग वर्ब से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर दीजिए तो बन गया इंटरोगेटिव डू आई गो। अच्छा, इसको सीखने के बाद अब इसी की हेल्प से हम सीखते हैं नीड और डेयर को यूज़ करना, देखते हैं। तो 4 नंबर पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है आई नीड अ पेन, तो आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बोलता है कि सब्जेक्ट और प्लस आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमने वही किया है। नीड आप देख रहे हैं, नीड की 3 फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, जिसमें से कि जो नीड का फर्स्ट फॉर्म है वो आपके सामने लिखा हुआ है नीड, सेकंड इज़ नीडेड एंड थर्ड इज़ नीडेड। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई नीड अ पेन, अ पेन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, मुझे पेन की ज़रूरत है। अब आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है जिस तरीके से आपने आई डोंट गो बनाया था वैसे ही यहाँ पर आप बोलेंगे आई डोंट नीड अ पेन, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो जिस तरीके से आपने सेंटेंस नंबर 3 बनाया था डू आई गो, डू से स्टार्ट किया था आपने, वैसे ही आप आई के लिए लगाएंगे डू आई नीड अ पेन, सेम क्या मुझे पेन की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन मान लीजिए सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि कोई
दो वर्ब्स आ रहे हैं, नीड भी वर्ब है और उसमें एक वर्ब और आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में दो वर्ब्स को साथ साथ नहीं लिखा जाता, तो उन दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है, जिसको हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है, मुझे सोने की ज़रूरत है, तो आई नीड, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, टू स्लीप, सोने की, तो आई नीड टू स्लीप, ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद नंबर 8 देखिए, इसको नेगेटिव बनाना है, तो आई डोंट, आई के साथ क्या लगेगा, डोंट, आई डोंट नीड टू स्लीप, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है। अब बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सेम डू से स्टार्ट करना है, डू आई नीड टू स्लीप, क्या मुझे सोने की ज़रूरत है। नंबर 7 को देखिए, अब इसी को डेयर से बनाते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 7 बोलता है, आपकी जाने की हिम्मत है, यू डेयर टू गो, जिस तरीके से हम नीड का बनाया था उसी तरीके से यू, यू इज़ द सब्जेक्ट, डेयर यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, और एक वर्ब और आ रहा है गो, तो आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, तो यू डेयर टू गो, आपकी जाने की हिम्मत है। अब इसको बनाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ डोंट लगा देना है, यू डोंट डेयर टू गो, आपकी जाने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट को चेंज करके देखते हैं, यू की जगह हम शी लगाते हैं ज़रा, और हमने यहाँ पर टेंस भी चेंज कर दिया। ध्यान से देखिए, सेंटेंस नंबर 9 जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का आपको रूल पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमने ऊपर डेयर की फॉर्म्स भी लिखी हुई हैं कि डेयर का फर्स्ट फॉर्म डेयर है, सेकेंड डेयर्ड एंड थर्ड इज डेयर्ड, तो उसी तरीके से सेंटेंस नंबर 9 को ध्यान से देखिए आप, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो शी डेयर्ड टू गो, उसकी जाने की हिम्मत थी, या फिर बोल सकते हैं उसकी जाने की हिम्मत हुई। आते हैं सेंटेंस नंबर 10 पे, अब आपको पता है सेंटेंस नंबर 9 जो था वो था पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिड नॉट का, किसका यूज़ करते हैं, डिड नॉट का, तो देखिए नेगेटिव बनाएंगे अब, तो शी डेयर टू गो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब चलो उसका बनाते हैं नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट, शी डिड नॉट डेयर टू गो। अब सेंटेंस नंबर 9 में था डेयर्ड सेकेंड फॉर्म, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी भी हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म, तो सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव का, लेकिन जब हम डिड नॉट लगा देते हैं तो फिर आपको V1 यूज़ करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो उसी तरीके से सेंटेंस हमने बनाया शी डिड नॉट, अब डेयर्ड का यहाँ पर हो जाएगा डेयर, क्यों हो गया, क्योंकि जब डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, शी डिड नॉट डेयर टू गो, उसकी जाने की हिम्मत नहीं थी, या फिर उसकी जाने की हिम्मत नहीं हुई। सेंटेंस नंबर 11 को देखिए, अब आपको बनाना है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू से स्टार्ट किया था, अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड शी डेयर टू गो, अब डिड लगा हुआ है तो डेयर नहीं होगा, डेयर होगा, आपको पहले ही बता दिया कि V1 यूज़ होगा, डिड शी डेयर टू गो, क्या उसकी जाने की हिम्मत थी। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये नीड और डेयर का चार्ट बना हुआ है, और आपको पूरी कोशिश की इसको समझाने की, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।